हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय द्विजा तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे टॉप टेन चीज़ें जो आप लोगों को आपका ब्रेस्ट फीडिंग का लैच इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्या आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है कंफ्यूजन हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग लैच इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बाय द वे जिन को मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग सीखना है एक्सरसाइज डाइट पोस्ट डिप्रेशन और आपके डिलीवरी के बाद का रिकवरी बहुत अच्छा होना चाहिए तो हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स के लॉन्च कर रहे हैं माइद्र वेबसाइट पर ऑन इलेवन इलेवन ट्वेंटी वन तो आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और पूरा डिटेल में ब्रेस्ट फीडिंग हमसे पर्सनली सीख सकते हो बट अभी के लिए चलिए जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्प्रूव लैच बच्चे का लैच ब्रेस्ट पे बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे लैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई गई है बच्चे का जो होट है वो अंदर की तरफ होता है और फिर बच्चा लैच कर पाता है दिस इज कॉल्ड अन ईवन लैच अगर अन ईवन लैच है तो बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा दूसरी चीज़ लैच के समय याद रखो कि आपके होटों का एंगल नाइन्टी डिग्री एंड अबाव होना चाहिए तीसरा चीज आप लोग को याद रखना है कि आपके बच्चे का जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे का पेट हमेशा आपके पेट की तरफ पॉइंटर होना चाहिए बच्चे को अगर आप इस ब्रेस्ट से पिला रहे हो तो बच्चे का ये साइड का जो बॉडी है ये आप लोग पास में ले सकते हो आपके ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से में उसको टक इन कर सकते हो बच्चे का कभी भी सिर नहीं पकड़ना है नीचे का हिस्सा पकड़ो और इंश्योर करो कि आप बड़े लोग पानी कैसे पीते हो ऐसे पानी पीते है? ऐसे पानी पीते अगर आप नॉर्मल मुलाके पीते हो तो भी ऐसे पीते हो तो ये जो जेंटल मूवमेंट है ये बच्चे के सिर का होना चाहिए इसीलिए बच्चे के सिर को फ्री रखो बच्चे के नेक को बहुत अच्छे से पकड़ो और फिर बच्चे को फीड कराओ फोर्थ थिंग अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है तो आपको और बच्चे को मिल के पोजिशन्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी नहीं शिव मेरे डॉक्टर ने बोला आप क्रेडल पोजिशन ही लो या फुटबॉल ही लो या सुलाक ही पिलाओ जेन्यनली स्पीकिंग बच्चा कब कौन से दिन कौन से मूड में कौन से पोजिशन में ब्रेस्ट फीड करेगा ये अपने आप में एक मिस्ट्री है बट अगर आप लोग अलग अलग पोजिशन्स ट्राई करते रहोगे तो आपको बहुत ईजिली वो चीज़ आप नॉक कर पाओगे शायद इस पर्टिकुलर पोजिशन में, में मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पीता है फिफ्थ थिंग अ मदर हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आप जब तो भी ट्राई कर रहे हो तभी नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ ट्राई करो कि नहीं मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ मुझे बहुत अच्छे से जमने वाला है और यह हो जाएगा तो फिर वो बहुत अच्छे से हो जाएगा सिक्स थिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब भी आप लोग कर रहे हो तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले एक गिलास पानी पी के बैठो जिन जिन लोगों को लगता है कि शायम मिल्क सप्लाई कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फिर आप लोग एक गिलास गुनगुना पानी पी के फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठो ये आपको हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग के एंड में वापस एक गिलास पानी पियो तो ये पूरा दिन में जब भी जो ब्रेस्ट फीड करोगे तभी तभी आप लोग को फॉलो करना है एट थिंग जिनको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो ब्रेस्ट के ऊपर गर्म पानी पोर करो और फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठो ये आपका ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस हंड्रेड परसेंट इम्प्रूव करेगा Ninth थिंग गैदर राइट नॉलेज जो मैंने आप लोग को बोला कि हम लोग uh, ब्रेस्ट फीडिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं का अगर आपको पता है क्या सही है कैसे करना है राइट फ्रॉम बिगिनिंग तो फिर आप उसको इम्प्रूव भी बहुत अच्छे से कर पाओगे सो गैदर राइट नॉलेज बी अवेयर कैसे करना है क्यों करना है कैसे जानेंगे कि हम लोग ये सही नहीं हो रहा है और उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं सो बी अवेयर लास्ट बर्ड नॉट द लीज बिल्ड योर टीम आपकी टीम में आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपका हस्बैंड हो सकता है आपके डॉक्टर हो सकता है आपके इलेक्ट्रिशियन कंसल्टेंट हो सकते हैं श्रेया हो सकती है माहिदुजा के वीडियोस हो सकते हैं बट बिल्ड योर टीम मुझे कई बार जिन जिन मदर से मैं टच में हूँ और काउंसलिंग के दौरान या बाद में बोलते हैं शायद फील सो पॉजिटिव कि हम लोग कर सकते हैं और उस बिलीव के साथ आगे बढ़ो तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस हंड्रेड बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है सो जस्ट फॉलो दिस थिंग्स तो आप लोगों का ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो और आपको ब्रेस्ट फीडिंग तभी सीखना है आइडियली आपको तभी सीखना चाहिए गेट इन टच विद ऑन डब्ल्यू 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 डॉट माई डॉट कॉम हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय